हम लोग आपके माध्यम से, आपने कल भी 10 बजे आई थी, जब तक हमारे बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक ये जग चलता रहेगा। चाहे जितना दिन हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग का चिंता करते हैं, आज हम लोग मुख्यमंत्री जी का चिंता कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो बिहार को विकास में नंबर वन राज्य बिहार बना दिए, और उन्होंने हमेशा हर लोग के लिए, चाहे वो बिहार के सारे जनता के सुख दुख के लिए, विकास के लिए, बिहार के जनता के सोच के लिए, बिहार का जनता के खुशहाली के लिए रात दिन 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, वो अस्वस्थ हो गए हैं। और बिहार की पूरे तमाम जनता देशवासियों के लिए हम लोग जल्दी बिहार और देश से कोरोना मुक्त देश और राज्य हो, इसके लिए अग्नि देवता से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी गलती हुआ हो अग्नि देवता, हर लोग के घर में खुशी लाइए। ये महामारी से हर परिवार में आप, हम, हर लोग खुश रह के भी खुश नहीं हैं। बच्चे अच्छे से घर से बाहर पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पार्क में घूमने नहीं जा रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे हैं। बड़े बड़े दुकानदार व्यवसाय लोग का दुकानदारी चौपट हो गया है, इसीलिए हम लोग जग कर रहे हैं। हर लोग जब कहीं अशांति फैलता है, शांति की ज़रूरत होती है, महामारी फैलता है, महामारी को भगाने की ज़रूरत होती है, तो लोग शरण में, ईश्वर के, प्रभु के शरण में आते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान के, ईश्वर अग्नि देवता के शरण में आए हैं कि भगवान जल्दी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्वस्थ ठीक कीजिए और बिहार और देश को स्वस्थ कीजिए। इसी के लिए हम लोग आचार्य वेद विद्यालय में सभी आचार्य के साथ हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, और ये जग जब तक हमारे मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक लगातार 24 घंटा रात में भी, दिन में भी, चाहे जितना दिन हो चलता रहेगा। जब मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हो जाएंगे तो बाहर में कंबल देख लीजिए, 501 कंबल गरीबों के बीच वितरण होगा, और गरीबों को मिठाई खिलाया जाएगा कि मुख्यमंत्री जी और बिहार के जनता के खुशी, देश के जनता के खुशी के लिए कंबल और मिठाई का भी बगल में रखा गया है, गरीबों के बीच उसका वितरण होगा। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।